हेलो, वेलकम टू दी ऑनलाइन एमसीक्यूज प्रैक्टिस लेक्चर सीरीज फॉर नीट जेईई एंड गुजकैट। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव फिनिश्ड पेपर सॉल्यूशन ऑफ गुजकैट 2018। टुडे वी विल स्टार्ट पेपर सॉल्यूशन ऑफ गुजकैट 2017। क्वेश्चन नंबर वन, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 5 मिनट। एट द एंड ऑफ 20 मिनट इट्स ब्लैंक परसेंटेज क्वांटिटीज डिसइंटीग्रेटेड। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास हाफ लाइफ टाइम है, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 5 मिनट, और टी इज इक्वल टू 20 मिनट के बाद कितनी परसेंटेज क्वांटिटी डिसइंटीग्रेट हुई है वो फाइंड करना है। तो बच्चों, पहले मैं कुछ नोटेशन करता हूँ कि सपोज मान लो कि एट टी इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास जो नंबर ऑफ एटम्स है वो एन नॉट है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो एन नॉट है। एट द एंड ऑफ 20 मिनट जो नंबर ऑफ एटम्स बचते हैं अनडिकेड, उसको मैं नॉट कर दू एन नॉट एन से। सो एन नॉट इज द नंबर ऑफ एटम्स ओरिजिनली प्रेजेंट इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एन इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रेडियो एक्टिव एलिमेंट आफ्टर 20 मिनट। पता चल गया। तो बच्चों, हमें फाइंड करना है कि कितने परसेंटेज क्वांटिटी डिसइंटीग्रेट हुई। तो अगर मुझे परसेंटेज नहीं बोला होता यहाँ पे और सिर्फ इतना बोला होता कि कितनी परसेंटेज कितनी क्वांटिटी डिसइंटीग्रेट हुई, तो आप क्या करेंगे कि एन नॉट एन, एन का डिफरेंस ले लो, ओके, डिवाइडेड बाय एन कर दो, तो आपको मिल जाएगा कितनी क्वांटिटी डिसइंटीग्रेट हुई है। क्लियर। लेकिन परसेंटेज में फाइंड करना है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बच्चों, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कितना बचा वो सब फाइंड करना है तो आपको करना पड़ेगा वो फिजिकल क्वांटिटी में कितना चेंज आता है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, इट्स ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज है, इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे जो चेंज है क्वांटिटी में वो कितना है बच्चों, एन नॉट माइनस एन, चेंज कितना आ रहा है एन नॉट माइनस एन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना है एन नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो परसेंटेज क्वांटिटी में कितना चेंज आया, कितना डिसइंटीग्रेट हुआ वो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, ये जो फाइंड करना है इसका एन नॉट माइनस एन डिवाइडेड बाय एन नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज चेंज। चेंज की जगह पे क्या आएगा, एन नॉट माइनस एन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, दैट इज एन नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। अब बच्चों, एन नॉट और एन की वैल्यू यहां पे हमारे पास नहीं है, लेकिन एन एंड एन नॉट का रिलेशन हम हाफ लाइफ टाइम एंड टोटल टाइम से हम फाइंड कर सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 टी डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो बच्चों, ये फॉर्मूला कैसे आया, तो ये फॉर्मूला हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे ही आया। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लेमडा टी। वॉट इज लेमडा, डी के कॉन्स्टेंट। अब लेमडा एंड हाफ लाइफ का रिलेशन क्या है, लेमडा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो लेमडा की जगह पे यहाँ पे अगर मैं ये रख दू, दैट इज माइनस 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ इंटू टी। अब टी हाफ को थोड़ा इस साइड ले लो, थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो ये हो जाएगा ई रेस इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस 0.693 इंटू टी डिवाइडेड बाय टी हाफ। अब बच्चों, ई रेस टू माइनस 0.693 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 टी डिवाइडेड बाय टी हाफ, हमारा ये फॉर्मूला आ गया। ओके, अब बच्चों इस फॉर्मूला में टी और टी हाफ की वैल्यू रख दो तो हमें एन एंड एन नॉट का रिलेशन मिल जाएगा। तो टी टी की जगह पे 20 रखो, टी हाफ की जगह पे 5 रखो, तो ये हो जाएगा 4। तो मतलब एन डिवाइडेड बाय एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 रेस टू 4 हो जाएगा। अब 1/2 रेस टू 4 क्या होता है बच्चों, 1/16, तो एन डिवाइडेड बाय एन नॉट इज इक्वल टू 1/16। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है एन नॉट माइनस एन डिवाइडेड बाय एन नॉट, उसमें मैं दोनों टर्म को एन नॉट से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय एन नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। एन डिवाइडेड बाय एन नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/16, वो यहाँ पे 1/16 रख दो, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 93.75%। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर टू, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग गेट्स, मतलब ये जो हमारे पास गेट है वो कौन सा लॉजिक फंक्शन और कौन सा लॉजिक गेट इम्प्लीमेंट कर रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों ये हमारा नॉर गेट है, ये कौन सा गेट है बच्चों, नॉर गेट, और ये दोनों जो है वो हमारे नॉट गेट है। ओके, तो अगर ये नॉट एंड नॉर का ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है तो वो कौन सा गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां पे देख रहे हो कि कितने इनपुट्स है, दो, तो दो इनपुट को मैं इनपुट जीरो एंड वन दे दूं, मतलब जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशन बन रहे वो अप्लाई कर दे, और इसके लिए क्या आउटपुट आता है वो अगर हम फाइंड करें तो हमें थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ये कौन सा लॉजिक गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे कितने इनपुट है, दो, तो कितने इनपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, चार, दैट इज 00, 01, 10 एंड 11। तो सब इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करके आउटपुट क्या मिलता है वो हम फाइंड करते हैं। तो पहला इनपुट कॉम्बिनेशन बच्चों है 00, मतलब ये जो हमारे पास गेट है, ये जो गेट का कॉम्बिनेशन है उसको मैं 00 अप्लाई करूँ तो आउटपुट क्या मिलता है वो चेक करते हैं। बच्चों यहाँ पे नॉट गेट है तो इसका इनपुट 0 है तो ये क्या करेगा, उसको 1 कर देगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, बिकॉज नॉट गेट क्या करता है, इनपुट को इन्वर्ट। अब बच्चों ये 1 1 किसको हमने दिया, नॉर गेट को। अब बच्चों व्हाट इज नॉर गेट, नॉर इज नथिंग बट इट इज और प्लस नॉट, और प्लस नॉट। तो बच्चों ये क्या करेगा, और गेट का जो आउटपुट आएगा उसको वो क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा और इन्वर्ट कर देगा। तो 1 प्लस 1 और का क्या होता है, 1, और गेट में 1 प्लस 1 क्या होता है, 1, और उसको क्या करेगा वो नॉट करेगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, 0। तो जब मैंने 00 अप्लाई किया उस दिस कॉम्बिनेशन को तो मुझे क्या मिला, 0 आउटपुट मिला, तो 00 के लिए 0। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 01, A0 B1, तो A0 है तो यहाँ पे 1 आएगा, B1 है तो यहाँ पे 0 आएगा, ये 0 हो जाएगा। अब और गेट में 1 प्लस 0 क्या होता है बच्चों, 1, और उसका क्या करेगा, नॉट, तो आएगा 0। तो सेकंड इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए 0 आएगा, थर्ड इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, बिकॉज ये 1 है ये 0 है, तो ये हो जाएगा 0 यहाँ पे, ये हो जाएगा 1। 1 प्लस 0 क्या करता है, और में 1 होता है, और उसका नॉट करना है तो ये हो जाएगा 0, तो ये 0 आ गया। अब लास्ट इनपुट कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं, दैट इज 1 1, यहाँ पे 1 अप्लाई करो, यहाँ पे भी 1 अप्लाई करो, 1 है तो नॉट क्या करेगा, 0, ये भी नॉट गेट है तो उसको 0 कर देगा। अब और में क्या होता है, 0 प्लस 0 0 होता है, और इसके पीछे क्या है, नॉट गेट है, तो 0 प्लस 0 को 0 में अप्लाई करूंगा नॉट को तो क्या करेगा वो 1, मतलब 1 1 कॉम्बिनेशन के लिए 1 आएगा। अब बच्चों ये ट्रुथ टेबल को आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, ये ट्रुथ टेबल इसका है, ये लॉजिक गेट इसका है, तो अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये एंड गेट का ही ट्रुथ टेबल है। किसका ट्रुथ टेबल है, एंड गेट, मतलब ये जो भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर रहा है ये गेट कॉम्बिनेशन, वो एंड गेट की फंक्शनैलिटी है। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एंड गेट। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि हमने जो गुजकेट 2019, गुजकेट 2018 और अभी गुजकेट 2017 का पेपर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो हर एक पेपर सॉल्यूशन में कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किए। फॉर एग्जांपल यहां पे सेकंड से मैंने डायरेक्टली 4 ले लिया, मतलब थर्ड क्वेश्चन इज स्किप्ड। तो इसका रीजन बच्चों एक ही है कि आपका सिलेबस चेंज हुआ, ओके, लास्ट ईयर आपका सिलेबस अपडेट हुआ स्टैंडर्ड 12 का, तो उसमें कुछ चैप्टर निकल गए, ओके, और कुछ चैप्टर से कुछ टॉपिक भी निकल गए। तो जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं थे और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपके सिलेबस का नहीं था इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फॉर टू केसेस वी ए ग्रेटर देन वी बी एंड वी बी ग्रेटर देन वी ए रिस्पेक्टिवली इज ब्लैंक ओम एंड ब्लैंक ओम रिस्पेक्टिवली। मतलब बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, पहला केस है वी ए ग्रेटर देन वी बी और दूसरा केस है वी बी ग्रेटर देन वी ए। अब वी ए एंड वी बी क्या है, तो वी ए इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी बी इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। मतलब यहां पे जो पोटेंशियल है उसको मैं बोल दू वी ए, यहां पे जो पोटेंशियल है उसको मैं बोल दू वी बी।
और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है कि D1 एंड D2 आर आइडियल डायोड, दोनों आइडियल डायोड है। तो बच्चों जब पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट बी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि डायोड का एनोड पे जो पोटेंशियल है वो कैथोड के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। ये एनोड है, ये कैथोड है बच्चों, तो एनोड का पोटेंशियल कैथोड के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, बिकॉज एनोड इज कनेक्टेड टू वी ए, कैथोड इज कनेक्टेड टू वी बी। और यहां पे क्या बोला है, वी ए ग्रेटर देन वी बी, मतलब ये दोनों डायोड का एनोड का पोटेंशियल कैथोड के पोटेंशियल से ज्यादा है। और हमें पता है बच्चों कि जब एनोड का पोटेंशियल कैथोड के पोटेंशियल से ज्यादा होता है तो डायोड क्या बन जाता है, फॉरवर्ड बायस में आ जाता है, इट इज अ फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो जब वी ए ग्रेटर देन वी बी होगा, इसका मतलब डी वन एंड डी टू बोथ आर फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड बोला है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा, ये दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, शॉर्ट। तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा, मतलब इट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर, तार की तरह वो काम करेगा जिसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। तो ये सर्किट मैं इक्विवेलेंटली ऐसे ड्रॉ करता हूं वी ए ग्रेटर देन वी बी के लिए, तो ये 15 ओम का आपका रजिस्टर होगा, ओके, डायोड डी वन बिकम शॉर्ट, मतलब उसका रजिस्टेंस जीरो। सिमिलरली नीचे ये 50 ओम हो गया, और डायोड डी टू भी फॉरवर्ड बायस है और आइडियल डायोड है, तो ये भी हो, इसका भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो ये क्या बन गया, मेरी सर्किट बन गई, दो ये दो जो रेजिस्टर्स थे वो पैरेलल में आ गए, 50 ओम है 50 ओम। तो हमें क्या करना है, ए एंड बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू, दैट इज 50 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 50 प्लस 50, तो ये हो जाएगा बच्चों 25 ओम, राइट। तो पहले केस में रेजिस्टेंस मिलेगा 25 ओम, तो मतलब यहां पे आंसर आएगा 25 ओम। अब सेकंड केस में देखते हैं, वी बी ग्रेटर देन वी ए, मतलब बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से ज्यादा, मतलब ये दोनों डायोड में कैथोड का पोटेंशियल एनोड से ज्यादा। अब बच्चों डायोड में जब कैथोड का पोटेंशियल एनोड से ज्यादा होता है, मतलब डायोड इज रिवर्स बायस, तो मतलब ये कंडीशन में दोनों डायोड रिवर्स बायस होंगे। और यहां पे कंडीशन क्या है कि दोनों डायोड्स आइडियल डायोड है, मतलब जब वो रिवर्स बायस होंगे तो उनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा बच्चों, कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, ओपन सर्किट, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मतलब ये पूरा नेटवर्क का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो करेक्ट, मतलब यहां पे आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। सो व्हाट इज आंसर, 25 ओम एंड इन्फिनिटी, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पता चल गया बच्चों, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द शेप ऑफ वेव फ्रंट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज। तो बच्चों कोई भी सोर्स होता है, लाइट सोर्स होता है, तो कोई और कोई भी वेव का सोर्स होता है, तो उसको आप लॉन्ग डिस्टेंस पे, लार्ज डिस्टेंस पे आप चेक करेंगे तो वेव फ्रंट का शेप हो जाएगा प्लेन, वो क्या बन जाएगा, प्लेन। अगर वो स्पेरिकल वेव फ्रंट मतलब जनरेट कर रहा है और सिलिंड्रिकल सोर्स है, तो भी लॉन्गर डिस्टेंस पे वो बन जाएगा प्लेन, इट विल लुक्स लाइक अ प्लेन वेव फ्रंट। तो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इन दिस स्टेट इज ब्लैंक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए द इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो उसका रिलेशन में पता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट टू टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ द टोटल एनर्जी। तो यहां पे हमें टोटल एनर्जी हमारे पास है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। यहां पे टोटल एनर्जी कितनी है, -3.4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगी बच्चों -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको यहां पे पूछा होता कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी,
तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो ये हो जाती बच्चों 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आपको याद रखना है। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी इज द माइनस ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द डबल ऑफ टोटल एनर्जी। तो यहां पे हमें क्या पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, तो आई होप कि आज जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चन ऑफ दिस गुजकेट 2017 इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।